पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान साइक्लोन ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। समुद्री तटों पर लहरें उफान मार रही है तो कई जगहों पर तूफानी हवाओं ने पेड़ों को जमीन पर ला दिया है। देखिए उड़ीसा के पारादीप में जब 106 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली तो समुद्र में खड़ी नाव कैसे डोलने लगी है। उड़ीसा के पारादीप, बालासोर, भद्रक, मयूरगंज और कई दूसरी जगहों पर तूफान का बुरा असर दिखाई दे रहा है। पेड़ों के गिरने की वजह से कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक हो गई है। पारादीप में रेल बैगल मेंटेनेंस शेड की छत को तूफानी हवा उड़ा ले गई है। वही ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा के समुद्र तट की है, जहां समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि तूफान की तीव्रता 21 मई तक बनी रह सकती है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।